मध्य प्रदेश के सिंगरौली पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिना ओटीपी और पिन के ही लोगों के खाते से पैसे निकाल लेते थे। बिहार के इस गिरोह में एक इंजीनियर, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक कॉमर्स ग्रेजुएट शामिल है। पिछले कुछ दिनों से सिंगरौली में सक्रिय यह गिरोह कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की बैढ़न थाना पुलिस ने बिहार के रहने वाले तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मिलकर लोगों के खातों से पैसे उड़ा लेते थे। ताज्जुब ये है कि इसके लिए उन्हें खाता धारक के ओटीपी और पिन की जरूरत भी नहीं होती थी। तीनों पढ़े लिखे हैं और इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम देते थे कि पीड़ित को पैसे निकलने से पहले इसकी भनक तक नहीं लगती थी। पकड़ा गया पहला आरोपी बिहार के शेखपुरा का रहने वाला कन्हैया कुमार है और जो पेशे से इंजीनियर है। वहीं बिहार के ही गया का रहने वाला शुभम कुमार बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ले चुका है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है। ये तीनों अपनी डिग्री और पढ़ाई का इस्तेमाल एटीएम से पैसे उड़ाने में कर रहे थे। एटीएम के जरिए खाते से पैसे निकालने का इनका तरीका बेहद ही शातिराना था। ये लोग एटीएम मशीन के डैशबोर्ड के भीतर एक माइक्रोचिप लगा देते थे। जैसे ही कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने पहुंचता तो इनकी लगाई हुई चिप में उनका पूरा डाटा पहुंच जाता था, जिसकी मदद से वे ग्राहक का पिन हासिल कर लेते थे और फिर आसानी से उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे। इस गाड़ी में देखे गए हैं, सूचना के आधार पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके इनको अभिरक्षा में लिया और इनकी कस्टडी से उपकरण भी बरामद हुए हैं। लगभग 85,000 रुपये कैश मिला है और इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर है और स्कीमर है और 4-5 एटीएम कार्ड भी इनसे मिले हुए हैं। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है, जिसमें ये विशेष करके जो वन इंडिया एटीएम होते हैं उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो कैबिनेट होता है आसानी से खुल जाता है। उसमें ये लोग अपना एक चिप लगा देते हैं और जब भी कोई व्यक्ति एटीएम का यूज़ करता है उसमें, तो उसका सारा डेटा जो है इनके उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में इसको ये लैपटॉप के माध्यम से दूसरे एटीएम कार्ड में इसकी जो क्लोनिंग कर देते हैं। इस तरीके से जो है कहीं भी किसी स्थान पे बैठे बैठे ये लोग फरियादी कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ये गैंग को पकड़ने में सफलता। सर, क्या आप जिस तरह से इस गैंग का खुलासा हुआ, लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे कि और लोग इस तरह के अगर कोई गैंग आता है तो उसके झांसे में ना आए? निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी वो एटीएम का यूज करते हैं तो गोपनीयता बरतनी चाहिए और ये जरूर देखें कि जब भी आप एटीएम का यूज कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपका जो सीवीसी नंबर है वो भी गोपनीय होना चाहिए। इसमें तीन लड़के हैं हमारे पास पकड़ में आए हैं, बाकी दो अभी जो है। इनका सर कुछ बैकग्राउंड क्या रहा है, किस टाइप के हैं, पढ़े लिखे हैं कि और कुछ डिप्लोमा है क्या, किस टाइप के हैं? लड़के काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है और काफी अच्छा नॉलेज है। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सिंगरौली को अपना निशाना बना लिया था। केवल एक सप्ताह के अंदर इनका ग्रुप 6 लोगों को अपना निशाना बना चुका था और उनके खातों से लगभग 2,00,000 रुपए से ज्यादा की रकम पार कर चुका था। शिकायत के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो एटीएम के सीसीटीवी में ये माइक्रोचिप लगाते हुए नजर आए। बैढ़न थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली से विनय यादव की रिपोर्ट।